तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम हूं रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो हमारा यहाँ पे पैसा वगैरह आता है पर ईयर यहाँ पे 6,000 रुपये देने का कुछ प्लान है। तो यहाँ पे जो अगली किस्त है वो आ चुकी है। तो आइए दोस्तों कुछ लाइव प्रूफ के साथ हम देखेंगे, वीडियो आखिरी तक देखेगा, पूरा स्टेटस वगैरह चेक करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आया वो कैसे चेक करेंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे कि इस महीने में किस्त आई है नहीं आई है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक अपडेट जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो कैसे चेक करना, आपके पास क्या क्या होना चाहिए आइए जान लेते हैं। तो आपके पास तीन चीज में से एक चीज होना चाहिए, या तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, या तो अकाउंट नंबर होना चाहिए। तीनों में से कुछ भी रहेगा आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर पाएंगे। आइए पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग चार चार किस्त से सभी लोग पा चुके हैं लेकिन पांचवी किस्त का इंतजार था, तो पांचवी किस्त कुछ लोगों में आने लगी है। तो आइए आप भी चेक कर लीजिए, अपना स्टेटस देख लीजिए, शायद आपकी भी अगली किस्त आ गई हो क्योंकि पांचवी किस्त आ रही है। ठीक है, चार किस्त सब लोग पा चुके हैं और एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे। तो चलिए साइड में लगाते हैं स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों हमको स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले चलना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, आइए हम क्रोम ब्राउजर में चलते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ हमको लिखना होगा, अब हमें यहाँ लिखना होगा पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान लिख के जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यही हमारी सरकारी वेबसाइट है, इसको करेंगे ओपन। यहाँ पे जूम करेंगे और यहाँ पे फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों फार्मर कॉर्नर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पे करेंगे क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने किस तरह से इंटरफेस आ जाता है। वो इसके बाद हमको क्या करना होगा आइए जान लेते हैं। तो अब अपना तीनों चीज़ यहाँ में पर तीनों चीज़ में से मतलब कोई चीज़ अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर में से एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए आप हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे साइट ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब हमको अपने अकाउंट नंबर से चेक करना है, सिंपल अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा, जहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर है यहाँ पे हमको अकाउंट नंबर फिल करना है। अपने अकाउंट नंबर हम ऐसे दे देते हैं 055500 और यहाँ से देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे इस तरह से फिर ये हो गया और फिर यहाँ पे ये हो गया और उसके थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने फिल करके गेट डाटा पे क्लिक किया है। जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 16 तारीख की किस्त आई है और यहाँ पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 तारीख को पांचवी किस्त आ चुकी है, स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। इस तरह से आप भी अपना चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आपको स्टेप बाई स्टेप इसी तरह से फॉलो करना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में। इसी तरह से आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे स्टेटस वगैरह पीएम किसान का। ठीक है, आसानी से आप चेक कर सकते हो, बस यही स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।